जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी जो ईद है वो अच्छी गुजरी होगी। दुनिया में आप जहाँ भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, आज हम बेसिकली आप लोगों के लिए विज़िट लेके आए हैं ईमार कैनियन व्यूज़ DHA Phase 5 इस्लामाबाद का। इस वक्त हम GT रोड से आ रहे थे, बैरिया टाउन वाली साइड से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्रोजेक्ट है बेसिकली लोकेटेड है एक्सप्रेस वे के ऊपर, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर। तो हम इस वक्त इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर हैं और हम आए हैं GT रोड वाली साइड से। और अभी हम DHA Phase 5 जाएंगे, जहां पर ईमार का प्रोजेक्ट है। ईमार, आप लोगों को बताता चलूं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया है और अंडरसीज डेवलपमेंट की है दुबई से लेके 14 मुख्तलिफ बड़े कंट्रीज़ के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी सालों से इमार जो है कराची और इस्लामाबाद के अंदर अपना प्रोजेक्ट कर रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम इमार पहुंच गए हैं। और अगर आप देखें तो ये सिक्योरिटी इस वक्त गेट पर मौजूद है, हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। बड़ी एक पीसफुल कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी है। और मैं स्पेशली सजेस्ट करूँगा सब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, या जो लोग दूसरे शहरों से सेटल्ड होना चाह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको एक बहुत सिक्योर गेटेड और महफूज इन्वायरमेंट मिलता है। बड़ी खूबसूरत कम्युनिटी है, एक अच्छा आपको लिविंग मिलता है। DHA की ज़मीन है, इमार इसका डेवलपर है। तो जब दोनों कम्बिनेशन बनते हैं तो एक बहुत जो चीज़ उभर के सामने आती है, बड़ी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अच्छी रिहायशी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी लिविंग ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो वैसे तो मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, काफ़ी देर से हम इस पे काम कर रहे हैं, क्रिसेंट बेकराची के ऊपर काम कर रहे हैं। आप इस चैनल के ऊपर जाके प्राइसिंग वगैरह देख सकते हैं, मेरा नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी सारी डिटेल ले सकते हैं। आज मैं चाह रहा था आप लोगों को ये कम्युनिटी जो है वो एक आम कैमरे की आँख से दिखाऊँ। अभी आप ये देखेंगे, ये लेफ़्ट साइड पर जो है ये इमार का बेसिकली ऑफिस यहाँ पर लोकेटेड है। ये भी हम मेन एंट्रेंस से आए हैं राउंड अबाउट क्रॉस करते हुए। अब हम दोबारा मेन गेट की तरफ जा रहे हैं और राउंड अबाउट की तरफ जाएंगे। तो एक ये विज़िट है कम्युनिटी का, आप देख सकते हैं बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको प्राइसिंग भी बताता जाऊं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, इमार जो है अगर हम देखें बहुत ज़्यादा उस तरीके से मार्केट नहीं किया, एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं हुई। और ये आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, ये पूरा एक कमर्शियल जोन बन रहा है इस वक्त। यहाँ पर 4 और 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है। मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कमर्शियल के अंदर स्टार्ट हो रही है तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये से। और जो जाती है प्लॉट वाइज, जैसे कि आपको पता है कि प्लॉट वाइज रेट होता है, जैसे कॉर्नर का प्लॉट होगा तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी और डिपेंड ऑन द लोकेशन। तो ये 2.5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, जो 4.5 करोड़ 5 करोड़ तक टच करती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि सिर्फ आप 10% डाउन पेमेंट से इसको बुक करवा सकते हैं। 24 मंथ्स की आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, इसको आप 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर सकते हैं। अभी हम ये जा रहे हैं जहाँ पर इमार की कैटेगरी है प्राडोज, इसके अलावा मिराडोर, इसके अलावा इमार की जो कैटेगरी है वो अल्मा के नाम से है DHA के अंदर। तो इस वक्त हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे सारी कम्युनिटी, और आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर इस वक्त करंटली क्या चल रहा है। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो है विलास की अगर बात करें, जो स्पेशलिटी है इमार की, जैसे कि आपको पता है UAE के अंदर, गल्फ के अंदर, दुबई के अंदर इनकी डेवलपमेंट है, तो सेम ऐसी ही कम्युनिटी जो बंदा बाहर बैठा है, गल्फ में बैठा है, वो इसे रिलेट कर सकता है कि ये पाकिस्तान के अंदर उसी तर्ज की इन्होंने कम्युनिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तानीज़ के लिए। स्कूल्स हैं यहाँ पर, आपको कम्युनिटी सेंटर मिलता है, स्विमिंग पूल मिलता है, सारी अमेनिटीज़ जो हैं वो आपको डोर स्टेप के ऊपर दी जा रही है कि आप लग्जरी अपना लाइफस्टाइल यहाँ पर जी सकते हैं। इस वक्त अगर बात की जाए, लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स लेफ्ट हैं जो आप इस वक्त कंपनी प्राइस के ऊपर ले सकते हैं, रीसेल की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट कंपनी से जो आप ले सकते हैं। हालांकि इसकी एडवर्टाइजमेंट उतनी नहीं हुई जितने अमूमन हमारे प्रोजेक्ट्स की होती है यहाँ पर,
लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट के बगैर भी आप देख सकते हैं सारी कम्युनिटी आबाद है, बनी हुई है। और ये जो कम्युनिटी है इसमें अगर हम विलास की बात करें तो मोर देन 80% जो है, 80% से ज़्यादा ये जो एरिया है वो बिक चुका हुआ है, और बहुत ही लिमिटेड नंबर जो हैं वो अब लेफ्ट हैं। मोस्टली जो नंबर्स हैं वो होल्ड किए हुए हैं इन्वेस्टर्स ने, और मोस्टली जो है वो सोल्ड आउट है। बहुत पहले जो आज से तकरीबन मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट डील थी कमर्शियल से पहले, वो 10 मल्ले के प्लॉट थे और वो सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं। वो 10 मल्ले का जो प्लॉट था वो 90 लाख 9 मिलियन का लॉन्च किया गया था, उसके बाद 84 लाख पे अवेलेबल था, लेकिन वो प्लॉट जो है इस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं है, रीसेल में हमें मिलेगा। ये हम अलमा के अंदर है, ये एक पुरानी कम्युनिटी है इमार जब बना था, और इसके अंदर आपको जो छोटे घर हैं, छोटे विलास मिलते हैं जैसे 10 और 12 मल्ले के, ये भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अगर मिलेगा तो कोई ना कोई रीसेल के अंदर मिलेगा, अदरवाइज़ ये अवेलेबल नहीं है इस वक्त। अभी मैं आपको ये पुरानी कम्युनिटी जो बिक चुकी हुई है उसका टूर करवा रहा हूँ। अभी हम वापस जाएंगे और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस वक्त हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं, जिसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो खैर, ये कम्युनिटी का बिल्कुल एक लास्ट मैंने आपको बाउंड्रीज दिखाई हैं। अब खैर हम बात करते हैं, जैसे अभी हम ये मिराडोर 5 के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे विलाज हैं जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। इस वक्त कंपनी प्राइस के ऊपर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेंट्री है। यहाँ पर जो विलाज हैं, जिस तरह अभी एक विला है मिराडोर के अंदर ही, और वो है 36 मल्ले का, 36 मल्ले का है, और उसकी जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो 53 मिलियन होगी पाकिस्तानी रुपीस। 15 मंथ्स का आप प्लान ले सकते हैं। अगर आप इस वक्त 50% उसकी डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको जो 60% जब आपकी टोटल पेमेंट हो जाएगी, या आप डायरेक्ट 60% भी करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको उसका हैंडओवर दिया जा सकता है। तो एक ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। रेस्ट ऑफ द जो पेमेंट है आपने वो 15 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट में देनी है। इसके अलावा यहाँ पे विलास जो हैं वो तकरीबन 4 करोड़ से स्टार्ट हो के 5 करोड़ 5.5 करोड़ तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। सिर्फ गिने चुने यूनिट रह गए हैं जिसको आप जो है डाउन पेमेंट के ऊपर अवेल कर सकते हैं। अगर आपका इतना अच्छा बजट है, आप रिहाइश रखना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के दिल के अंदर, आप DHA जैसी सराउंडिंग में, और इमार की जो कंस्ट्रक्शन है न्यूली कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप आना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें। साथ ही साथ कमर्शियल की हमारे पास ऑप्शन है, 4 और 8 मल्ले के कमर्शियल हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट भी लेना चाहते हैं तो 10 मल्ले का प्लॉट यहाँ पे सोल्ड आउट है। आपको जो यहाँ पे प्लॉट मिलेगा इस वक्त वो 15 मल्ले का मिलेगा, या 3 से 4 और प्लॉट लेफ्ट हैं जो शायद कॉर्नर का हो, 16 या 17 मल्ले का प्लॉट मिले। तो 15 मल्ले का अगर आप प्लॉट लेते हैं ये तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा 1.45 करोड़ का, यानी कि तकरीबन 1.5 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, और इसको भी आप इंस्टॉलमेंट प्लान पर ले सकते हैं, और इसमें भी आपने 45% जो है वो डाउन पेमेंट देनी होगी। रेस्ट ऑफ द जो पेमेंट है वो आपने 15 मंथ की इंस्टॉलमेंट में देनी होगी। तो ये सारी ऑप्शंस हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट भी इस वक्त लिमिटेड नंबर हैं जो आप डायरेक्ट कंपनी से अवेल कर सकते हैं। अगर आप फुल पेमेंट देते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप डिस्काउंट्स हासिल कर सकते हैं। कम्युनिटी का भी आप व्यू देख रहे हैं। बाकी मजीद जो है पेमेंट प्लान से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड, अपना आपका जो बजट है आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। जो ओवरसीज़ लोग हैं वो एनी टाइम हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वर्किंग आवर्स का, ऑफिशियल आवर्स का। तो आप हमें बिला झिझक जब मर्ज़ी आप हमें व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह हम खुद आपको अपने वर्किंग आवर्स में कॉल करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मज़ीद अभी आप इस चीज़ को देखें, इसकी फील को देखें। यहाँ पर जो इस वक्त आपको कम्युनिटी के अंदर एक फीलिंग आती है, एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं एक पीसफुल, एक
ग्रीनरी आप देख सकते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल देख सकते हैं और सुकून। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपकी रिहाइश वहाँ पर होनी चाहिए जहाँ पे आपको सुकून मिले। तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा इस विज़िट से भी होगा इंशाल्लाह ताला, और अगर आप ख़ुद भी जाके देखेंगे तो एक पीसफुल आपको एनवायरनमेंट ज़रूर यहाँ पे फील होगा। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं फील होगा जैसे इलाकों में होता है, जैसे डिफरेंट हम इस्लामाबाद के मेन एरिया में चल जाएं तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कमर्शियल है। यहाँ की एक अपनी कम्युनिटी है, अपने तर्ज के लोग हैं। तो मज़ीद अगर आप इसमें सरमायाकारी करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे राबता करें, नीचे मेरा नंबर आ रहा है, और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होती है नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, थैंक यू, जजाकल्ला।